नहीं था कुछ भी नहीं, और हमने ये बना लिया। ये हमें इस जेल से बाहर निकालेगा। अपन सच में इसका उड़न का टोला बना के उड़न जू लेंगे। हाँ जी, तो उड़ेंगे चिड़िया की तरह, तितली की तरह, कौवे की तरह। हमने कर दिखाया। तो ये तो बताओ बाहर जाके क्या क्या करोगे? मैंने तो सीधा जाके अपने बाबा की गोदी में चढ़ जाना है। करता अपन भी यही था कुछ भी, लेकिन अपन तुझसे थोड़ा लंबा है ना, तो जाके अपने परिवार वालों के गले लग जाएगा। मैं तो सीधा अपनी अम्मा के पास जाऊंगा, वो तो मुझे देख के खुशी से रो ही देंगी। मैं तुम सबके लिए बहुत खुश हूँ, पर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो बाहर कोई नहीं है। कैसे कोई नहीं है? आज से मैं, मेरी अम्मा और मेरा घर सब तुम्हारा भी है। आज से तुम हमारे साथ रहोगे जिंदा। घर वालों से मिल तो लेंगे, पर उन्हें खिलाएंगे क्या? आजादी के साथ साथ पैसे भी तो चाहिए। गाना गा सकते तो इस कंपटीशन में हिस्सा ले लेते, इसमें जीतने वाले को पैसे भी मिलेंगे। अरे यार, क्या सही चांस है ना, टीवी पे आओ, गाना वाना गा के स्टार बन जाओ, फिर अक्का वाल तुम्हें पहचानेगा। पर अपने को तो गाना वाना आता ही नहीं है, काश कोई सिखा देता। पापा, मेरे पापा आप सबको गाना सिखा सकते हैं, फिर हम सारे एक साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। मेरे बाबा पूरी दुनिया में सब तो सोना गांधे हैं, मेरे बाबा आप सबको गाना सिखा देंगे, और फिर देखना पापा हमें सिखाएंगे ना, तो हम जरूर जीत जाएंगे। मेरा संगीत क्या है मेरे लिए? मेरी पूजा है, आप सब जानते हैं, मेरी इबादत है, मैंने सच्चे मन से साधना की है सालों, और अब इस साधना का फल मिलेगा मेरे को। मेरा विश्वास है कि मेरा संगीत हमारा को कमजोर नहीं करेगा, इसको मजबूत करेगा। हमारा का मन है गाने का, तो हमारा गाएगी, और ये तो मेरा प्रिय बच्चा है, और आज तो मेरे प्रिय बच्चे ने सब तो बढ़िया फैसला लिया है। तेनो कुछ नहीं होगा पुत्र, डॉक्टर साहब प्लीज, हमारा क्या करना होगा मुझको? ये अंकल ने हाँ कह दी। दादा, आप मुझे गाना सिखाओगे वहाँ? मैं कंपटीशन में पार्ट लूंगी वहाँ। पार्ट भी लोगे और जीतोगे भी। अब बस तू अपन को यहाँ से बाहर लेके जाना, उसके बाद गाना सीखना है और जीतना है। लाइफ एकदम मक्खन। सही बोल रहा हूँ ना? आप रॉकेट भैया, ये सब चिलगोजे। ये उन शरारती बालकों को रंगे हाथों पकड़ने का उचित समय है।
कल से अमायरा की तैयारी शुरू। आप अपने डैड पे भरोसा है ना? यस डैड। तो बस मेरे बच्चे इतना समझ ले कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई बंदा, कोई बीमारी, तो खुद रब भी आके हमें नहीं रोक सकता। चंगा चंगा। थैंक यू डैडा, आई लव यू। अम्मा अम्मा ने हमें पकड़ लिया तो खेल खत्म। आवाज मिलाओ मायरा बेबी। बस बस बच्चा सांस लो। यार जिस तरह एक डॉक्टर बीमारी की वजह तक पहुंच कर ही उसे ठीक कर सकता है ना भाजी, उसी तरह एक गुरु भी कमजोरी की वजह जाने बगैर उसका रियाज नहीं करा सकता। और बताओ ना दीदी, मीठा गुब्बारा बनाने के लिए हमें और क्या क्या सामान चाहिए? एक बड़ी सी टोकरी और बहुत सारी रस्सी की भी जरूरत पड़ेगी। माँ के दर्द ने घुटनों का तो भैंडी बजा दिया।
उन्होंने हमको बचाने के लिए मजी से डांट कर चांद पर जाकर काम किया। थैंक यू। दर्द हो रहा है। बस यूं समझ लो कि अच्छी बात है, मैं थोड़ कर नहीं जाना। संकी अम्मा ने एकदम वाट लगा दी। अरे अच्छा हुआ सजा मिली कबूतरो, क्योंकि आंगन में सामान खिसकाते हुए हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिल गई जो कुल्फी का उम्मीद का गुब्बारा बनाने में हमारी काम आ सकती है।